السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد ديني بهاي وردوستو तमाम किस्म की हमदोसना तारीफ़ तोसीफ़ इज़्ज़त के लिए जिसने हम सभी को पैदा फ़रमाया और अपने प्यारे रसूल जनाब सल्लल्लाहु रसूल सल्लासम के ज़रिए से रहने सहने का तरीक़ा और सलीका बतलाया मोहतरम हजरात इस्लाम से पहले इंसानियत कुफर शिर की तारीकी में डूबी हुई थी और हर कोई इंसानियत को छोड़ हैवान की ज़िंदगी गुजार रहा था अल्लाह तबारक वाले ने अपने प्यारे रसूल अलैहि वसल्लम को भेज करके जहां पर हमें और आपको सबसे पहले एक रब की इबादत का हुक्म दिया माबोदा बातिला से दूर करने का तरीक़ा और हुक्म दिया वहीं पर अल्लाह तबारक वाली ने रसूल्ला सल्लासम के ज़रिए से इबादात से हटकर बल्कि इबादत से आगे बढ़कर कर मुआमिलात में भी हमें और आपको सब कुछ बतलाया है कि हमें ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है कैसे हमें लेन देन करना है कैसे ख़रीदो फ़रोक करना है कैसे शादी ब्याह करना है कैसे सोना है और जागना है और कैसे खाना और पीना है ये शरीयत इस्लामिया है इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पाई जाती है कि कोई शख़्स ये कहे कि हम अपने हिसाब से कर लेते हैं और आप अपने हिसाब से कर लीजिए चूँकि शरीयत में वही काम हमें करना है हमें बैठना वैसे ही है जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीक़ा बतलाया है अपने घर से वैसे ही निकलना है जो तरीका हमें बतलाया गया है यहाँ तक कि हमें और आपको एक दूसरे के पास जाना आना है या पाखाना पेशाब के लिए आना जाना है तो हमें वो तरीक़ा देखना पड़ेगा कि जनाब महम्मदरसोल्ला सल अल्लाह वसलम का क्या तरीक़ा रहा है आज मैं बहुत सारे आदाब पाए जाते हैं उनमें से बहुत ही इख्तिसार के साथ एक ऐसे टॉपिक या मौजू पर आपके सामने बड़े ही अख्तसार के साथ चंद बातें पेश करने की कोशिश करूंगा, जिस पर आम तौर पर हमारा ध्यान नहीं जाता है हम ख्याल नहीं करते कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और कहाँ पर अल्लाह तबारक वाली हमसे नाराज़ हो रहा है या हम शरीयत की बातों को कहाँ पर ठुकरा रहे हैं ये जान कर के कि ये सारी चीज़ें तो आम हैं इनमें सोचना क्या है चंद चीज़ें हम जानते हैं उसमें उन्हीं चंद चीज़ों पर एतमाद करके बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं आज हमारा मौजू जैसा कि आपको बतलाया गया पीने के आदाब आप ये जानते हैं जब शरीत इस्लामिया में किसी चीज़ के करने का हुक्म दिया जाता है तो जहन में कभी ये बात नहीं आती है कि वो हराम चीज़ होगी किसी चीज़ के करने का हुक्म दिया जाता है तो फ़ौर ये बात समझ में आ जाती है कि ये हलाल चीज़ है जिसको अल्लाह तबारक व तै ने हलाल और जायज़ करार दिया है चाहे उसका हम ताल्लुक पहनने ओढ़ने से हो चाहे उसका ताल्लुक़ खाने पीने से हो किसी चीज से भी हो जहाँ पर भी ये हुक्म दिया जा रहा है कि ये अमल करना है इस पर अमल पैरा होना है तो फौरन हमारे समझ में क्या बात आती है कि यकीनन ये हलाल चीज़ है हराम की तरफ हमें नहीं ले जाना है इसको आज का हमारा मौजू जो पीने के आदाब हैं चाहे वो पीना पानी का पीना हो चाय चाय का पीना हो दूध का पीना हो दवा का पीना हो कोई भी चीज़ हो जिन जिन सारी चीज़ों का भी ताल्लुक़ पीने से है उनके आदाब हैं और उन आदाब के मुतालिक हमें अमल करना चाहिए पीने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है पानी ही पीना हम चाय भी पीते हैं दूध भी हम पीते हैं शोरबा भी हम पीते हैं दवा भी हम पीते हैं तो क्या मतलब है पानी हम सीधे हाथ से पियेंगे और दवा उल्टे हाथ से पियेंगे जब पीने का लफ्ज आ गया कि पीने के आदाब तो हमारे जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि हलाल चीजें जितनी भी पीने वाली हैं इसमें शामिल हैं हलाल चीजें जितने भी पीने वाली हैं सब के सब इसमें शामिल हैं आइए सबसे पहले पीने के आदाब जैसा कि मैंने बतलाया कि यहां मुराद हलाल चीजें हैं हराम की तरफ हम नहीं जाएंगे नौद बिल्ला किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि पीने के आदाब इसका मतलब शराब पीने के आदाब क्या शराब शरीयत में हलाल है जाहिर सी बात है नहीं तो हराम चीजें हराम चीजों से बचने के आदाब आप पढ़ेंगे या हराम चीजों से बचने के आदाब आप सुनेंगे लेकिन हराम चीजों के इस्तेमाल करने के आदाब यह नहीं होता है पीने के आदाब यानी वो सारी चीजें जिनको शरीयत ने जायज करार दिया है हमें और आपको पीने के लिए ये मौजू बहुत नाजुक लग रहा है बहुत मुख्तसर लग रहा है एक आम मौजू लग रहा है लेकिन मैं इसके अंदर आपको बारीकियां बड़े अख्तसार के साथ इंशाला तला बतलाने की कोशिश करूंगा सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह तबारक तआला ने क्या इरशाद फरमाया लक़द कानलकों फी रसूल उसवत हैसन नबी करीम सलील वसलम की जिंदगी तुम्हारे लिए उस है नमूना है आइडियल है उसी तरह से हमें चलना है उसी पर अमल करना है क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी नहीं पिया क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नहीं पिया क्या नबी करीम सल्ह वसलम ने शरबा नहीं पिया क्या नबी करीम सल्ला वसम ने वगैरह वगैरह जाहिर सी बात है जब आपने पिया है अमल किया है करने का हुक्म दिया है आपके सामने सहाबा ने किया है तो हमारे लिए सुन्नत मौजूद है और हमारा हर तरीका नबी करीम अलैहि वसल्लम का तरीका होना चाहिए दीनी भाई और दोस्तों पीने के आदाब में जब हम दाखिल होते हैं तो सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज जो चीज भी हमारे सामने हाजिर है अगरचे वो अगरचे वो पानी ही क्यों ना है पानी कितनी बड़ी नेमत है सबसे बड़ी नेमत क्या है पानी है यह पानी किसने हमें अता किया अल्लाह तबारक वाली ने अता किया है जब अल्लाह तबारक वाली ने यह पानी हमें अता किया है तो इस पानी के पीने से पहले हमें किसका नाम लेना चाहिए अल्लाह तबारक अल्ला। पीने के आदाब सबसे पहली चीज कि हमें बिस्मिल्लाह कहकर के पीना है हम इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते में खाने के आदाब लाएंगे पीने के आदाब मैं नहीं चाहता हूं कि दोनों को मुख्तसर करके मुख्तसर इतना कर दिया जाए कि सब बात ही समझ में ना आए सबसे पहली चीज क्या है बिस्मिल्लाह। अब अगर कोई शख्स कहता है बिस्मिल्लामान रहीम बहुत सारे लोगों को आप पाएंगे कि वो कहते हैं बिस्मिल्लर रहीम जबकि नहीं क्या कहना है हमें बिस्मिल्लाह अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कुछ लोगों को ताजुब हो रहा होगा कि ये कौन सी बात है कि हम सिर्फ बिस्मिल्लाह कहें यही है सुन्नत की इत्तिबा, यही है नबीम सैरवी की और कि जो आप सल्लाह ने जितने कहा है उतने ही पर हमें और आपको अमल करना तो हमें सबसे पहले क्या कहना है सिर्फ बिस्मिल्ला आप यह ना समझिएगा कि जल्दी जल्दी में मैंने इशारा कह दिया असल हमें बिस्मिल्लाम कहना नहीं क्या कहना है हमें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कह कहकर के हम पानी दूध जो भी चीज है अपने हाथ में उठाएंगे अब सवाल यह है कि अल्लाह तबारो व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें दो हाथ दिए हैं दाएं से उठाएंगे बाएं से उठाएंगे दोनों मिला करके उठाएंगे हो सकता है ना कैसे हम उसको उठाएंगे नबी करीम वसल्लम ने इर्शाद नमाजा की रवायत है

जब पिए तो सीधे हाथ से पिए वल या खुद बेयमीन ही और अगर किसी से कोई चीज ले रहा है तो सीधे ही हाथ से ले वल ये होती बेयमीन ही और अगर किसी को दे रहा है तब भी सीधे ही हाथ का इस्तेमाल करे क्यों क्यों फ इन शैताना या कुल भी शिमाली व यशरभ भी शिमाली इसलिए कि शैतान का खाना पीना उल्टे हाथ से होता है लेना देना भी उसका उल्टे हाथ से होता है और शैतान की पैरवी हमें नहीं करनी है बल्कि किसकी पैरवी करनी है नबी करीम अलैहि वसल्लम की मालूम यह हुआ कि चाहे हमें उठा करके पीना हो या लेना हो या देना हो एक होता है लेना और देना एक होता है उठाना और रखना दोनों में फर्क है यहां पर उठाने रखने की बात नहीं आप उल्टे हाथ से उठा सकते हैं रख सकते हैं लेकिन जहां तक लेने देने की बात है आप सीधा ही हाथ इस्तेमाल करेंगे पीने के वक्त भी और लेने देने के वक्त भी चूंकि शैतान का अमल क्या है बाएं हाथ से उल्टे हाथ से लेना देना और खाना पीना इबन उम्र रजाल्ला कहते हैं आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई खाए तो हाँ दाएं हाथ से खाए और जब पिए तो दाएं हाथ से पिए क्यों क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता और पीता है यह सही मुस्लिम की रवायत शैतान हमारा कौन है सबसे पक्का दुश्मन सबसे बड़ा दुश्मन कौन है शैतान है और हमें ये चाहिए कि हम अपने दुश्मन की मुखालफत करें जैसे हम इस्लाम का दुश्मन यहू नसारा अल्लाह के अलैहि वसल्लम ने यहूद नसारा की हमेशा मुखालफत करने का हुक्म दिया है इसी तरह से हमारा दुश्मन जो कौन है शैतान है और शैतान से शैतान की हमें हमेशा मुखालफत करनी चाहिए क्योंकि शैतान अपना उल्टा हाथ या बायां हाथ इस्तेमाल करता है हमें चाहिए कि हम पीने के वक्त लेने के वक्त देने के वक्त हमें सीधा हाथ इस्तेमाल करना चाहिए उल्टा हाथ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए यहां पर पीने की बात चल रही है और आपने ये सुना हदीस से इब्ने माजा की रवायत और सही मुस्लिम की रवायत कि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाएं हाथ से पियो वजह क्या बतलाई उल्टे हाथ से ना पीने की चूंकि शैतान उल्टे हाथ से पीता है उल्टे हाथ से मत लियो लिया दिया करो चूंकि शैतान का ये अमल है और उसकी हमें मुखालफत करनी है सवाल यहाँ पर यह है कि अगर कोई शख्स पी रहा है अगर कोई शख्स पी रहा है और वह दोनों हाथ अपना इस्तेमाल कर रहा है दोनों हाथ इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसी सूरत में आदाब में से होगा या बेअदबी में से होगा ऐसा हो सकता है उल्टा हाथ वगैरह मैं उल्टा हाथ खाली इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं दोनों हाथ इस्तेमाल कर रहा हूं इसके बारे में शेख साले मोहम्मद सालिद हफिद का एक फतवा है वो कहते हैं दोनों हाथ इस्तेमाल करने के में पीने के वक्त वो कहते हैं कि बवक्त जरूरत पहली बात तो यह है कि कहीं पर भी सराहत के साथ वजाहत के साथ दोनों हाथ से पीने की दलील मौजूद नहीं है वो कहते हैं कि कहीं पर इसकी दलील मौजूद नहीं है लेकिन उन्होंने साथ साथ यह भी कहा कि बवक्त जरूरत अगर जरूरी हो जाता है तो जरूरत के वक्त दोनों हाथ का इस्तेमाल करना जायज है उन्होंने मिसाल क्या दिया है उन्होंने मिसाल यह दिया कि जैसे यह साबित है कि करीम ने मशकेजे से पानी पिया जानते ना बड़ा सा होता है या इसी तरह से नबी करीम वसल्लम ने डोल से पानी पिया। डोल भी आप जानते हैं। सूरत में मशकेजा से या डोल से कोई शख्स क्या एक हाथ से पानी पी सकता है नहीं पी सकता है तो इस पर कयास करते हुए उन्होंने यह कहा कि जाहिर सी बातें यह जरूरत है अब मशकेज़ा आप एक हाथ से नहीं उठा सकते डोल आप एक हाथ से नहीं उठा सकते और यही नहीं बल्कि उन्होंने एक रवायत का और जिक्र किया है जिसको अबू हुरैरा रजी अल्लाह तहों ने जिक्र किया है वो कहते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला तहों को प्याला दिया दूध का और दूध का प्याला दे करके कहा असाब अहले सुफ़ा जो हैं अहले सुफा को जानते हैं मदीना में अहले सुफा को पिलाओ अबू अहले सुफा जो थे एक एक को पिलाने लगे सब कोई पेट भर के पी रहा है एक एक करके पूरे खत्म हो गए अबू हुरैरा रजी अल्लाह तहु ने वो पियाला ला करके नबी करीम अलैहि वसल्लम को दे दिया आपने पकड़ा और दोनों हाथों में रखा हजीस के अल्फाज आते हैं कि दोनों हाथों में रखा उसके बाद चेहरे मुबारक को तो उठाया और मुस्कुराए आप और अबू तआला रजियाल्ला से कहा अबू हुरैरा अब तुम इससे पियो अबू हुरू ने उस प्याला से पिया उसके बाद फिर दोबारा आप वसल्लम कहते हैं अबू हुरैरा और पियो दोबारा पिया तीसरी बार फिर कहते हैं आप कि पियो अबू हुर फरमाते हैं अल्लाह के रसूल उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया है अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद अब हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद पिया अब बिस्मिल्लाह कहा और बिस्मिल्लाह कहने के बाद दूध खुद भी पिया यहां पर इस हदीस से इस हदीस से उन्होंने जो दलील पकड़ी है कि हदीस में आया कि दोनों हाथ में प्याला रखा दोनों हाथ में रखने का मतलब क्या है कि बर्तन बड़ा था और जब बर्तन बड़ा था दोनों हाथ में रखा गया है तो दोनों हाथ से पिया भी गया होगा खुलासे कलाम लेकिन उन्होंने ये साबित किया है कि जरूरत के वक्त इस तरह से कोई बड़ा बड़ा बर्तन है तो ऐसी सूरत में दोनों हाथ लगा करके इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन यह बवक्त जरूरत तो पहली बात तो यह है कि हम बिस्मिल्लाह करके पियेंगे और दूसरी बात यह है कि हम सीधे हाथ से पियेंगे तीसरा तीसरा अदब आदाब में से तीसरा अदब यह है कि हमें चाहिए कि हम बैठ करके पिए हमें चाहिए कि हम बैठ करके पिए सही मुस्लिम की रवायत नबी करीम सल वरमायाद मिन को शरबन्ना आप सीखे बहुत बहुत बड़ी हदीस है बड़ी मान खेज है आप सल्हम ने फरमाया ला यरबन्नाद मिन कुम कायमन कि तुम में से कोई शख्स खड़ा होकर के ना पिए चाहे वो दूध पी रहा हो चाहे पानी पी रहा हो चाहे चाय पी रहा हो चाहे दवा पी रहा हो कोई भी चीज हो जो हलाल चीज है खड़ा हो करके ना और अगर फमन नसिया, फल यस्त, फल यस्तकी, अगर कोई भूल गया है तो चाहिए कि उल्टी कर दे कह करके वो उसको निकाल दे जो अंदर किया है कितनी बड़ी वहीद ये कौन कह रहा है ये नबी करीम वसल्लम कह रहे हैं हम इसको आम समझते हैं हमारा हमारा जहनी इस पर नहीं जाता और यही नहीं दूसरी रवायत आती है अबू सैद खुद रजी अल्लाह तहों की और यह भी सही मुस्लिम की रवायत है कि रसूल कहते हैं कि नहा अनिशर्ब का इमन खड़े होकर पीने से मना किया यानी हुक्म दिया किस बात का हुक्म दिया है कि खड़े होकर मत पीना ये भी सही मुस्लिम की रवायत है एक और रवायत आती है जो बहुत ही जबरदस्त है जो मुस्नद अहमद की है जिसको अलामा अलबानी रहमहुल्ला ने सही भी करार दिया और इसको आप सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे अबू रजी अल्लाह हुरा ये खड़े होकर पीने बहुत सारे लोग दलील देते हैं कि खड़े होकर पीना जायज है और ये है और वो है आइए हम मुस्नद अहमद की रवायत जो सही रवायत है अबू हुर रजी अल्लाह कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी आदमी को खड़े होकर पीते हुए देखा खड़े होकर पानी पीते हुए किसी आदमी को देखा तो फरमाया कर दो, उल्टी कर दो ये वो है जिस पर शरीयत नाजिल हो रही है जिस पर वही नाजिल हो रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा उस शख्स को तो कहा कि कय कर दो यानी जो पिया है उसे निकाल दो उस आदमी ने कहा कि क्यों उस आदमी ने कहा ठीक है मैंने पी लिया है तो मैं क्यों निकाल दू आप फरमाया अलैहि वसल्लम आई यशरबा मकल हिर रो यह हम्फाज हैं आय रुका आई यशरबा मकल हिर रो क्या तू तो पसंद करेगा कि तेरे साथ बिल्ली हिर कहते हैं बिल्ला को उसका जो मेल होता है ठीक है ना क्या तू तो पसंद करेगा कि बिल्ला यानी बिल्ली तेरे साथ ये पिए यानी जिस तरह से तुम पी रहे हो उसी को बिल्ली भी पी ले तो शख्स कह, क्या कहता है कि जी नहीं बिल्कुल नहीं मैं ये पसंद करूंगा बिल्ली भी पिए और मैं भी उसको पीऊं ये कैसे मैं पसंद करूंगा और आप भी हम भी नहीं पसंद करेंगे इसको नबी करीम सल उसने क्या कहा नहीं मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद नहीं करूंगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फू कद शरीबा मन हुआ शरुम शैतान बिल्ली से जो ज्यादा खतरनाक बिल्ली से जो ज्यादा नुकसानदेह है बिल्ली से जो ज्यादा बुरा है वो तुम्हारे साथ पी चुका तुम्हारे खड़े होकर पीने की वजह से और वो शैतान है इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या कर दो उल्टी, 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 उल्टी कर दो कै कर, कर दो अब आप अंदाजा लगाएं कि खड़े होकर पीना क्या किसी भी तरह से जायज हो सकता है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत एक लोग पेश करते लेकिन हकीकत यह है कि आप ये अंदाजा लगा सकते हैं वो भी खुलफाए राशिदीन में से आखिरी खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या इस इन हदीसों की मुखालफत अली रजी अल्लाह तहु कर सकते हैं या कोई सहाबी कर सकता है कतान नहीं हकीकत यह है कि वो रवायत जिसमें अली रजी अल्लाह तहु ने फरमाया था उस वक्त तक यह खबर यह हदीस अली रजी अल्लाह तक पहुंची ही नहीं थी इसलिए खुलासा यह है कि खड़े होकर पीने की बिल्कुल ममानियत है कोई भी चीज हो खड़े होकर पीने की ममानियत है खड़े होकर नहीं पीना चाहिए नंबर चार आदा में से नंबर चार हम पानी पीते हैं अपने हिसाब से एक सांस में पी लिया प्यास के मुताबिक मिजाज के मुताबिक एक बोतल लिया और पूरा गट कर गए नबी करीम सल हमेशा याद रखिएगा सुन्नत की बातों में हदीस की बातों में कुरान और हदीस शरीयत की बातों में नुकसान नहीं हो सकता है हो सकता हमें जाहिर तौर पर कभी नुकसान नजर आए जैसे जाहिर तौर पर हमें यहां पर नुकसान दिखेगा कि हम जाते हैं इतना टाइम हमारा ज़ाय होता है लेट भी हम हो जाते हैं आधा घंटा लेट हो गए एक घंटा लेट हो गए ये शैतान अपना काम कर जाता है शैतान अपना काम कर जाता है उसको तो हमें रोकना है ना चाहे ये बतला करके रोके कि लेट हो रहा है चाहे ये बतला करके रोके कि खाना सही नहीं है चाहे ये बतला करके रोके कि तुम थके हुए हो चाहे ये बतला करके रोके कि कपड़ा धुलना वगैरह वगैरह उसको तो अपना काम करना है शैतान के रास्ते से हमें बचने का हुक्म दिया जा रहा है चौथा अदब जो पीने का है कि पानी एक सांस में ना पिया जाए कम से कम दो सांसों में या तीन सांसों में पानी पिया जाए कम से कम दो या तीन सांसों में पानी पिया जाए सही बुखारी की रवायत अन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन सांसों में पानी पिया करते थे तीन सांस एक गिलास पानी में तीन सांस लेते थे एक गिलास पानी में तीन सांस लेते थे अब सवाल यह है क्या उसी गिलासी में सांस ले लेते या गिलास से बाहर कुछ लोग कहते हैं अगर सांस ही लेना है तो हमें होंठ से गिलास को हटाना नहीं है वहीं पर हम सांस लेंगे और वहीं पर दूसरा शुरू दूसरी सांस लिए तीसरा शुरू नहीं वहां पर होठ से गिलास को हटाना ही असल मकसूद है दूर करना ही असल मकसूद है कि अगर हम पी रहे हैं बोतल से पी रहे हैं गिलास से पी रहे हैं कोई भी चीज है हम उसको हटा दें उसको दूर कर दें इसी तरह से सही मुस्लिम की एक रवायत आती है इसके बारे में कि तीन बार दम लेकर पीना तीन बार सांस लेकर के पीना खूब सैराब करता है और साथ ही साथ प्यास को दूर करता है और बहुत सेहत बख्शता है बदन को और खूब हजम होता है और मेदे में आहिस्ता आहिस्ता पानी जाता है मेदे में आ, ये सही मुस्लिम की रिवायत है अब आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्स एक ही मरतबा में गट कर गया और एक शख्स उसने उतने ही पानी को तीन बार में पिया तो आराम से वो पानी जा रहा है अपनी जगह पर पहुंच रहा है आराम से हदीस जितनी है तिब्बी नबवी के तरीके से देखा जाए तो सब डॉक्टरी ही है सारी चीजें डॉक्टरी ही हैं आप फजर की नमाज ले लीजिए फजर की नमाज के लिए जो उठता है उसका चेहरा रोशन हो जाता है कम से कम उठता है चेहरा धुलता है मंजन करता है मस्जिद जाता है फिर आकर के सारी मनहूसियत को ख़त्म कर देता है और आकर के आराम से सो जाता है और जो आठ बजे तक सोया रहता है वो मनहूस बना पड़ा रहता है और ये सुबह की किरण जो है ये खास मौजू है कि ये सुबह की किरण जो फजर की नमाज पढ़ता है वही हासिल कर पाता है और उसके नुकसान क्या हैं अगर आपने पढ़ा अगर उसके फवाद क्या हैं आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे तो मैं ये बतला रहा था कि हदीस में जो बातें हैं तिब्बी नुकते नजर से सौ परसेंट फिट आती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि कम से कम दो सांस में या तीन सांस में पानी पियो अगर कोई शख्स तीन सांस में अगर कोई शख्स पहली बात पहली बात यह है कि सांस बर्तन में ना ले अब वो कह रहा है कि अगर हम सक, कहते हैं आप कहते हैं कि मैं बर्तन में सांस लेता हूं तो हमारे अंदर जो गैस है जो नुकसान है गैस यानी नुकसानदेह गैस है वो पेट में चले जाते हैं तो चलो ठीक है मैं सांस लूंगा ही नहीं मैं एक मरतबे में पी जाऊंगा तब तो कोई गैस नुकसानदेह गैस बाहर नहीं आएगी और मेरे पेट में नहीं जाएगी बिल्कुल सही आपने कहा नहीं जाएगी लेकिन आप ये अंदाजा लगाएं कि जिस तरह से सही मुस्लिम की रवायत यह आई कि अगर कोई शख्स सांस ले लेकर के पीता है तो पहली बात तो आराम से पानी उसके पेट में जाता है दूसरी बात यह है कि नबी करीम अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो रही है तीसरी बात यह है रूहानी तौर पर उसको सुकून हासिल होता है आप देख लीजिए उस शख्स को जो पहुंचता है घर में और फौरन एक बोतल उठा करके चढ़ा लेता है उसके चेहरे को देखिए और उस शख्स के चेहरे को देखिए जो बोतल ले करके बैठता है और तीन सांस में आराम से पानी पीता है ज़मीन और आसमान का फर्क हो जाता है इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ठीक ठीक है अगर हमें जरासीम ही से बचना है अगर हमें बुरी चीजों ही से बचना है हम सांस ही नहीं लेंगे एक सांस ही में हम पानी पी जाएंगे एक गिलास में हम सांसी नहीं लेंगे अंदर हम सांसी नहीं तोड़ेंगे उसमें और ज्यादा नुकसान पहली बात तो क्या है कि सुन्नत की मुखालफत सबसे पहली बात सुन्नत की मुखालफत दूसरी बात यह है कि आपके जिस्म को सुकून नहीं मिल सकता है इसलिए हमें यह चाहिए कि हम जब पिए हम जब पिए तो सांस भी लेकर के पिए और आराम से पिए और आराम से पिए यह चीज बिल्कुल जरूरी है चौथा अदब था पीने का पांचवा अदब जो पीने का है चांदी के बर्तन में या सोने के बर्तन में हमें पीने से खाने पीने से मना किया गया है चांदी और सोने के बर्तन में अल्लाह के वसल्लम ने क्या फरमाया ला तशरबू फी رواه मुस्लिम सोने चांदी के बर्तन में मत पियो गिलास है प्याला है कोई भी चीज है शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है आदाब के बिल्कुल खिलाफ है अगर कोई शख्स सोने चांदी के बर्तन में खाता पीता है तो यह शरीयत इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देती है लिहाजा और एक रवायत और आती है से बुखारी की कि जो शख्स चांदी के बर्तन में कोई चीज पीता है कोई चीज दूध है चाय है पानी है दवा कोई भी चीज है जो शख्स चांदी के बर्तन में कोई चीज पीता है तो वो अपने पेट में दोजख की आग गट गट करके उतारता है नाउद अल्लाह ताला हम सबको बचाए अब ये सोचिए कि कुछ लोग अपनी अमीरी जाहिर करने के लिए अपनी दौलत जाहिर करने के लिए ऐसी चीजों का सारे लोग तो नहीं लेकिन बाज लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं वो क्या कर रहे हैं नेमत थी सामने पानी अजीम नेमत दूध चाय कोई भी चीज थी शरबत कोई भी चीज नेमत थी लेकिन उसको गलत बर्तन में रखने की वजह से जहन्नम की आग बना दिया उसने नबी करीम अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था अभी पहले जो हदीस गुजरी जिसमें आप अलैहि वसल्लम ने यह कहा था उस शख्स से क्या तुम ये पसंद करते हो कि बिल्ली तुम्हारे साथ ये पिए तो उसने यही तो कहा था नहीं उसने कुछ भी तो नहीं किया था पी ही तो रहा था हलाल चीज पी रहा था अगर हराम चीज होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उस चीज के पीने से मना फरमाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसने कहा नहीं तो आपने यही फरमाया ना कि तुम्हारे खड़े होने की वजह से खड़े होकर पीने की वजह से जो जान, जो जो चीज बिल्ली से कहीं ज्यादा खतरनाक कहीं ज्यादा नुकसानदेह है वो तुम्हारे साथ पी चुका और वो शैतान है सिर्फ खड़े होने की सिर्फ खड़े होने की वजह से यहां पर जो रवायत आ रही है कि आपका जो पीने का मादा है चाहे वो पानी है चाय है दूध है शरबत है कुछ भी है उससे कोई एतराज नहीं है मसला यहां पर यह है कि अगर वो बर्तन सोने और चांदी का है तो गोया की यह शरबत शरबत नहीं है पानी पानी नहीं है चाय चाय नहीं है बल्कि जहन्नम की आग बन गई है वो यह फर्क होता है अकीदे में अगर हमारा अकीदा सही है अगर हमारे पास इल्म है और जानकारी है। इसी तरह से छठा अदब छठा अदब पीने के आदाब में से यह है कि आम तौर पर जब हम चाय पीते हैं या कोई भी गर्म चीज पीते हैं तो फूंक मार मार के पीते हैं फूंकते रहते हैं पीते रहते हैं फूंकते रहते हैं पीते रहते हैं अबू सैद खुद रजी अल्लाह तहु से रवायत है कि नबी करीम वसल्लम ने फरमाया फी शुरबे आप अलैहि वसल्लम ने पीने में फूंक मारने से मना फरमाया पीने की कोई भी चीज हो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि आप यह ना समझिए कि पीने के आदाब खाली पानी पीने के आदाब पीने की कोई भी चीज है उसके आदाब नबी करीम वसल्लम ने क्या अल्लाह तआला ने क्या फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने पीने की चीज में फूंक मारने से मना फरमाया ठीक है फकुन एक आदमी था उसने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तु आ रहा फिर है ना हम बर्तन में गिलास में प्याला में कप में तिनका देखते हैं तिनका होता नहीं कोई चीज आकर के पड़ जाती है वो सवाल करता है तिनका समझ रहे हैं ना कोई छोटी सी चीज आकर के पड़ गई वो आदमी सवाल कर रहा है अल्लाह के रसूल सलाहलम अगर मैं पीने की चीज में कोई तिनका देखता हूं तो ऐसी सूरत में क्या करूँ अच्छा सवाल है क्या हम सब पी जाए चूंकि पीना है फूंक भी नहीं मारना है तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे या गर्म है तो हम क्या करेंगे गर्म है तो जाहिर सी बात है आप ठंडा कीजिए वो खुद ठंडा हो जाएगा या वो चीज ठंडी हो जाएगी तो आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया हा। उसको थोड़ा सा उंडेल दो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा उंडेल दो कैसे ये नहीं कि पूरा का पूरा फेंक दो मिसाल के तौर पर गिलास है आपके हाथ में और आपने देखा कि उसमें तिनका है या कोई चीज है थोड़ा सा आपने ऊपर से टेढ़ा किया और वो गिर गया और बाकी आपने पी लिया क्योंकि अगर हराम चीज कोई आ जाती है तो आप पियेंगे ही नहीं हराम चीज अगर गंदी चीज कोई आ जाती है तो आप उसको पिएंगे ही नहीं यहां पर बात उस चीज की हो रही है जो नुकसानदेह है लेकिन हराम नहीं है नुकसानदेह है लेकिन हराम नहीं है उसके लिए नबी करीम फरमाया कि थोड़ा सा से पानी गिरा दो गिराने से हर कहा का मतलब ही नहीं कि पूरा पानी फेंक दो बल्कि थोड़ा सा टेढ़ा और कभी कभार हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई चीज आती है तो गिलास को हम थोड़ा टेढ़ा करते हैं और उसके बाद बाकी चीज हम पी लेते हैं तो मालूम ये हुआ कि चाहे कोई तिनका हो या गर्म चीज हो हमें फूक वहाँ पर नहीं मारना फूंक मारने से नबी करीम वसल्लम ने मना फरमाया है और तिब्बी नुक्ते नजर से भी जरासीम जरासीम उस पीने की चीज में पहुंच जाते हैं कुछ लोग अपनी दलील पेश करने लगते हैं कि अगर चाय पी रहे हैं तो जरासीम तो जल जाएगी वहां पर यह हमारा उल्लू सीधा करना है सबसे पहली बात तो आपने मुखालफत की अपने प्यारे रसूल अलैहि वसल्लम की और दूसरी बात यह कि हम जो चीज कह रहे हैं हमारे इस जरासीम को वो थोड़ा सा गर्म पानी है या चाय क्या वो खत्म कर सकता है या नहीं कर सकता है ये हम नहीं जानते तो सबसे पहली बात ये है कि हमें ये चाहिए कि किसी भी पीने की चीज में हम फूक ना मारें नंबर सात नंबर सात पीने के आदाब में से एक जगह बैठने वालों में सबसे पहले बड़े को पेश करें जैसे दस लोग बैठे हुए हैं कोई बड़ा है बुजुर्ग है मुआहिद है ऐसी शक्ल में सबसे पहले बड़े को पेश करें और उसके बाद दाएं से पिलाते चले जाएं। सबसे आप अगर बराबर हैं सब तो ऐसी सूरत में दाएं से आप पेश करें यह ना देखें कि हम इधर से शुरू करें जल्दी में हमारा काम हो जाएगा नहीं यह सुन्नत के खिलाफ है पीने के आदाब के ये खिलाफ है कि हमें यह चाहिए कि हम दाएं से शुरू करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमन अफलई मन दाएं से दाएं से दाएं का ख्याल रखो तो यहां पर आप सल्लाह और बहुत सारी हदीसें इसके बारे में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार ऐसा हुआ है कि दाएं साइड में आम साहबा कोई साहबी बैठे हुए हैं और बाएं साइड में बड़े खुलफाए राशिदीन में से बैठे हुए हैं लेकिन आपने दाएं से उसको अख्तियार किया है। दाएं से शुरू कराया और एक मरतवा इजाजत ले करके बाएं दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अल आीमन फल आीमन दाएं से पिलाना शुरू करना चाहिए आठवीं चीज आदाब आठवां आदब जो है पिलाने वाला आखिर में पिए हमारे यहां क्या होता है पिलाने वाला सबसे पहले अपना इंतजाम करके नीचे रख लेता है होता है, नहीं होता है ये अमानत है ये अमानत है नबी करीम वसल्लम ने फरमाया से मुस्लिम इन साकी आखिर कौम का साकी कौम को पिलाने वाला मेहमानों को पिलाने वाला वो कब पिएगा सबसे अखीर में पिएगा और एक मरतबा नबी करीम अलैहि वसल्लम ने जब दूसरों को बढ़वाया कि पिलाओ इनको तो साहबा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आप पी लें तो आप वसल्लम ने यही हदीस बनाई इन आखिर कौम का साकी जो होता है पिलाने वाला जो होता है या मेहमानों की जियाफत करने वाला जो होता है वो सबसे अखीर में पीता साथ ही साथ आखिरी चीज नवी चीज अदब में से अदब में से नवा अदब कि अगर कोई बड़ा बर्तन है तो आप कोशिश ये कीजिए कि उससे पानी गिलास में उंडेल करके या वो चीज गिलास में उंडेल करके तब पिए नहीं कि उसको सीधे आप मुंह से लगा दें यह भी आदाब में से है मिसाल के तौर पर आपके पास जूस है बड़ा बोतल है आप कोशिश ये करें कि आप गिलास में उंडेलें और उसको तरीके से पिएं, ना कि पूरा बोतल ही आप मुंह से लगा दें ये भी पीने के आदाब में से एक अदब है लिहाजा ये वो चीजें थी जिनका ताल्लुक पीने से था और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम उस पर गौर नहीं कर पाते हैं जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको करके बतलाया है, हैम भी दिया है अपने सहाबा से भी करवाया है लिहाजा हमारे और आपके लिए अगर किसी चीज़ में कामयाबी है तो किताबो सुन्नत की इताआत में कुरान हदीस के पकड़ने में कुरान हदीस की बातों पर अमल करने में अल्लाह तबारक वाली से हम दो आगोह हैं किलामीन हम सब को सुन्नत के मुताबिक खाने पीने की तोफ़ी अता फ़रमाए और अपनी ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी अता फ़रमाए आलमीन उदावाना अनहमदिल्ल व रहमतुल्लाहि व वरक